नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। विधानसभा मेहगांव में उपचुनाव तहसील गोरमी के गल्ला मंडी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के समर्थन में हो रही आम सभा, जिसमें मुख्य अतिथि सचिन पायलट को सुनने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। सचिन पायलट मध्य प्रदेश की मेहगांव विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अपनी आम सभा को प्रथम बार संबोधित करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए मतदाता कतार बंद देखे गए। कांग्रेस पार्टी की आम सभा में सचिन पायलट ने कहा, यह उपचुनाव संविधान के साथ खिलवाड़ का उपचुनाव है, जो कि संविधान में लिखे नियमों का उल्लंघन है। संविधान में उपचुनाव करने का निर्णय तब लिया जाता है जब किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार को भ्रमित कर तोड़कर विधायक खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने का जो कार्य किया है, वह संविधान में लिखा हुआ लेख को बदलने की कोशिश की है, जिसके लिए अब जनता ऐसे ऐसे भ्रम नेताओं को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। साथ ही होने वाले मतदान 3 नवंबर को मतदाता मतदान कर अपना अमूल्य मतदान कर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी हेमंत कटारे के समर्थन में मतदान कर कांग्रेस को मध्य प्रदेश सरकार बनाने में अपना योगदान देगी। आचार्य प्रमोद कर्णम बाबा ने मंच से कहा, जनता को संबोधित कर देश के शहीद आजम भगत सिंह की कहानी सुनाकर आम जन के रोंगटे खड़े कर दिए। सचिन पायलट को सुनने के लिए ऐतिहासिक भीड़ हुई, जो कि आज तक नहीं कभी भी गोमती तहसील में नहीं देखी। मंच से वक्ताओं ने अपील की, हेमंत कटारे को मतदान कर कांग्रेस पार्टी को हजारों मतों से जीत हासिल कराएं। कार्यक्रम में मौजूद हुए मुख्य अतिथि सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कर्णम मिर्ची बाबा, देवा आशीष जरारिया, जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल आदि कार्यकर्ता। प्राइम न्यूज 24 के लिए संवाददाता चंद्रपाल सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। क्या बेचता जो तनखा मार उसमें पड़ रही है, लेकिन मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली की सरकार में बैठा कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसान की बात कर सके, जो कह सके कि मेरे किसानों को मुआवजा दो, बीमा दो, फसल दो, बीज दो, खाद दो, बिजली दो, कोई कहने सुनने वाला नहीं। हाँ, राम मंदिर की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, गोत्र की बात करेंगे, आपस में झगड़ाने की बात करेंगे, विवादित मुद्दों को तूल देकर वोट लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं साथियों, जैसा आचार्य मोदी ने कहा, अगर नेता के मन में सच्चाई है तो जनता अपने आप उसकी आंखों में आंख डालकर बात को भांप लेती है, और नेता सिर्फ वोट लेने के लिए तिरंगबाजी करता है तो नारे बहुत होते हैं, भाषण बहुत होते हैं। अभी हेमंत जी बता रहे थे सब लोग इनके साथ, जब हवा चलती है पक्ष में, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत उपचुनाव देखे हैं। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा 6.5 साल का, अलग अलग राजस्थान में 27 जगहों पर उपचुनाव हुए,